कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि खड़गे के माथे पर लगे टीके को किसी सुरक्षा कर्मी या नेता द्वारा मिटा दिया जाता है। सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि हिंदू बाहुल्य इलाके में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए खड़गे ने माथे पर टीका लगाकर भाषण दिया, फिर यहां से मुस्लिम बाहुल्य इलाके में आयोजित जनसभा में भाषण देने जाने से पहले उसने माथे पर लगे टीके को मिटा दिया। वायरल वीडियो का फैक्ट चेक करने के लिए डीफ्रैक की टीम ने वीडियो को कई फ्रेम्स में कन्वर्ट किया और उसे रिवर्स सर्च किया। हमें इस संदर्भ में एक वीडियो मिला। इस वीडियो को कांग्रेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुबली धारवाड़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधित किया था। इस वीडियो में 1 मिनट 9 सेकंड पर वायरल वीडियो को देखा जा सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे के अलावा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीप शेट्टार भी बैठे हुए थे, जो हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट के कांग्रेस के कैंडिडेट भी हैं। द हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक खड़गे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई पर निशाना साधा। वही TV9 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि हुबली पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे के माथे पर आरती और कुमकुम से स्वागत किया गया था। बाद में खड़गे संवाददाता सम्मेलन में पहुंचे, जहां संवाददाता सम्मेलन शुरू होने से पहले खड़गे के अंगरक्षक ने उनके माथे पर लगा टीका साफ कर दिया। डीफ्रैक टीम के इस फैक्ट चेक से स्पष्ट है कि सोशल मीडिया यूजर्स का दावा गलत है। ऐसे और फैक्ट चेक्स के लिए देखते रहिए डीफ्रैक।